ईद के बाद बड़ी दरगाह स्थित बाबा मखदूम साहिब के दरगाह पर लगने वाले चिरागा मेले के समय देश विदेश से आने वाले सैलानियों का जुटान बड़ी पहाड़ी स्थित मलिक बया इब्राहिम के मकबरे पर होता है। लोग यहां जियारत करने आते हैं। इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिरण्य पर्वत पर स्थापित खराब हाई मास्ट लाइट की मरम्मती के अलावा विभिन्न पोल पर लगाए गए खराब लाइटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नागरिक सुख सुविधा के लिए पेयजल शौचालय के साथ साथ सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था का इंतजाम होनी चाहिए। उक्त मांगे मंगलवार को बड़ी पहाड़ी राष्ट्रीय उच्च +2 विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में आयोजित वार्ड स्तरीय शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने उठाया। बैठक का नेतृत्व कर रहे उप निर्वाचन पदाधिकारी अवधेश कुमार ने इस संदर्भ में पहल करने की अपील की गई। सदस्यों ने मंसूर नगर स्थित कब्रिस्तान की ध्वस्त घेराबंदी की मरम्मती एवं मिट्टी भराई की बातें भी रखी। बड़ी पहाड़ी क्षेत्र में अधर में लटके नल जल योजना के तहत घरों में वाटर सप्लाई सुनिश्चित कराने, शांति समिति के सभी सदस्यों का आई कार्ड निर्गत करने के साथ साथ हिरण्य पर्वत पर तैनात पुलिस बल को बड़ी पहाड़ी स्टेट बैंक की सुरक्षा से हटाकर पुनः हिरण्य पर्वत पर स्थापित करने की मांग की गई। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने एक मत होकर इलाके में शांति सौहार्द पूर्व की तरह बनाए रखने की बात कही एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी तरह के मामले को आपसी सहमति से निपटाने की भी बात कही। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि रोहित कुमार, पूर्व पार्षद भेषनाथ प्रसाद, दिग्विजय नारायण, पुरुषोत्तम प्राचार्य संतोष कुमार, राकेश कुमार वर्मा, महादेव दास, वार्ड जमादार वीरेंद्र कुमार उर्फ भारती, रविंद्र पासवान, मोहम्मद सोहेल अहमद, मुनाजिर हसन, मोहम्मद मंजर हुसैन, आफताब आलम, मुख्तार अहमद, रामदेव प्रसाद मंडल, किरानी प्रसाद, सोहेल अहमद, अरशद अली, गुलाम सरवर आदि लोग उपस्थित थे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।